ये अंडा दे रहा है सिकोटी को बुला लो मैं दोबारा बुला लो सिकोटी कौन सी सिकोटी है बुला लो अरे अंकल राम राम छोड़ के दिया पकड़ लो ना पकड़ लो कोई बात नहीं लम पकड़वा देता हूँ पकड़ लो यार क्या बात हो गई अपनी पार कर कौन है भाई अरे आज तो अच्छे से बैठा कोई दिक्कत नहीं है हाँ तो अच्छे से बैठा कोई दिक्कत नहीं ऐसे मतलब बैठ सकते नॉर्मल अच्छा पकड़ लो कोई दिक्कत आप कौन डर क्यों रही हो आप क्यों डर रहे हो तो डर रहे हो ना पकड़ने से पकड़ लो अच्छे से पकड़ लो हम तो पकड़ लेंगे भाई तू बता हमने तो 20 साल से पकड़ा हुआ है 20 साल से अच्छा ना ना ठीक है पकड़ो अच्छे से कोई बात नहीं उस दिन वाला मैटर हो गया मैंने करवा दिया सोलू कौन सा मैटर उस दिन नहीं हुआ था आपके साथ में मैंने आगे जाने नहीं दी बात वो हेडर को उसमें पहुंच जाए हेडक्वार्टर में दिक्कत हो जाती है कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा सचेत रहो भाई आप हो कौन यहाँ पे बैठना तो ठीक है मतलब और उधर भी बैठ सकते हो लेकिन तो मेरी बीबी है मैं कहीं भी बैठूं आप कौन हो तो मैं थोड़ी मैटर आपकी बीवी है तो क्या कह रहे हैं कौन से मैटर की बात कर कौन से मैटर की बात हो रही है भाई कौन सा मैटर वो है 500 रुपये दिए था पहचान लिया पहले मेरे को हाँ भाई मैं अरे तब पहचान ले तभी तो आया आपके पास कौन से पास वो नहीं सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के लेके आए थे मेरे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं जानता भैया मैं तो पहली बार आया उस पार्क में ए आता हूं यार न्यू मेरा नाम से आया था मैं दिल्ली महाराजा रे कुछ आता है रे थक गया मैं पार्क में आ गया मैं राजी यूं ही मजाक कर लग रहे मैं नहीं जानता मैं पागल हूं यार मैं एक तो हेल्पफुल के लिए मैं कोई बात नहीं भाई आराम से बैठो मेरे को लगा अभी भी आपको डर लग रहा होगा मैं उसके लिए आया हूं यार मैं भी डरे ना रे बंदा यार पार्क सबकी है हां सुनो पार्क सबकी है पार्क इनकी भी आपकी भी आराम से बैठो कोई दिक्कत नहीं है क्या मैं वो कर रहा हूं यार आप अरे एक मिनट रोको ना मैं तो खुद समझने तो कौन है कहानी कौन हो भाई साहब यार कौन कौन क्यों कर रहे हैं इतना पराया क्यों कर रहे हैं उस दिन बचवा दिया यार बचवा दिया मतलब कहां देखा मैं इनको सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ मैं उधर झाड़ियों में तो लगा पति है ये किससे देख लिया हां तो आपके साथ लगे होगा ना झाड़ आपको दोनों को लेके आए थे ना सिक्योरिटी वाले नहीं पकड़ के लेके आए थे झाड़ियों पकड़े मैं नहीं लेके आया पता नहीं कौन है यहां भाई साहब मेरे पास लेके आए थे ऑफिस में सिक्योरिटी मैं इनकी बीवी हूं आपने किसके साथ देखा इनको आपके साथ तो थे आपके पास कोई प्रूफ है कोई फोटो है मैं कैसे मान लूं आपने देखा है 500 रुपए दिए बंदे ने मैं मानूं मैं क्यों मानूं 500 रुपए दिए भाई साहब ने इसने 500 रुपए दिए मैं क्यों दूंगा 500 यार मैं तो आई अभी पहली बार हूं मैं तो पहली बार देख रहा हूं बड़ा मैंने कमाल का बंदा यार मैं एक दिन उस दिन हेल्प करवा दी तुम्हारी बात हेडक्वार्टर तक नहीं जाने दी मैं विश्वास ना मेरे पे यार मुझे ना विश्वास कहां देखा आपने इनको लास्ट टाइम का ध्यान नहीं आपको यार मैनेजमेंट में अभी कुछ उतार मुझे क्या पता कहां देखते रहते लास्ट टाइम काम करते रहते अरे लास्ट टाइम जब आप आए नहीं थे पार्क में आए थे और ये इनको सिक्योरिटी गार्ड ने आप दोनों को पकड़ लिया था आप हमारे ऑफिस के बाहर था आपको तो मैंने देखा ही नहीं था बाल काट रहा भाई इनको तो देखा ही नहीं था मैंने इनकी बीवी आपने किसके साथ देख लिया इनको किसके साथ घूमते रहते ये कह रहे थे मेरी बीवी खड़ी है बाहर मेरे को क्या बता आप हो मैंने तो आपको देखा ही नहीं था यही काम रहता रहता है कौन है ये कौन है तू क्या कौन है मैं बताया ना सिक्योरिटी गार्ड हूँ इधर मैं दो नंबर ऑफिस में ड्यूटी है दो नंबर ऑफिस में जाके देखोगे मैं उधर मिलूंगा फोटो खींची है तुमने जो मैं कैसे मान लूं भाई साहब ने 500 रुपए दिए थे मेरे को इसने आप तो बाहर खड़े आपको क्या पता पूरी कहानी अरे यही काम रहता है आपका हर वक्त देखा था भैया आपने इनको क्या होगा किसके साथ देखा था आपने मेरे को क्या पता ये आपके साथ ही तो देखा था मैं आप कह रहे थे मैं तो कभी नहीं आई मैं पहली बार आई आप बाहर खड़े थे ना ऑफिस के बाहर नहीं खड़े थे ऑफिस के बाहर नहीं खड़े थे आप मैं तो नहीं देखा मैं तो आई पहली बार हूँ इस जगह ये ऑफिस के बाहर खड़े थे मेरे भाई जानता ये कौन है मैं पहली बार जानता पहली बार आई हूँ जगह पर एक बार आपने देखा करो तो मैं मुझे किसके साथ देखा आपने आपके साथ देखा था मैं पहली बार बाहर खड़ी थी मेरी बाहर खड़ी है ये इनको पूछो ना और जब भी मैं फोन करती फोन भी नहीं उठाते हैं किसके साथ घूमते रहते हैं वो तो साइलेंट में था फोन मेरा मुझे क्या पता साइलेंट में था किसके साथ बैठे हुए आप मैं बात सुनो भाई साहब उस दिन बचा दी थी लेकिन ये तो गलत है ना ये भी कह रहे हैं इनके साथ मैं आई पहली बार उस जगह तो उस दिन बाहर नहीं खड़े थे मैं नहीं खड़ी थी मैं आई पहली बार ऑफिस के साथ थे मैं भी पहली बार ही आ रहा हूं मैं झूठ बोल रहे हैं मैं क्यों आ रहे हमारे आपने क्या बोला था भाई साहब बात आगे तक ना लेके जाओ 500 रुपए की पत्ती पकड़ा दी मैंने पकड़ ली मैं कोई बात रिस्पेक्टेड आदमी है 500 रुपए की पत्ती बाहर मेरी वाइफ खड़ी है भाई साहब देखो वो भी खड़ी खड़ी धूप में कौन सी ये गलत है ना 20 साल से शादी है हमारी 20 साल तो आप संभालो ना शादी को आप संभाले नहीं रहे भाई साहब मेरे को ये समझ क्यों नहीं पता मैं जब आई नहीं इस पार्क में पहली बार आई हूँ आप आए हो उस दिन ऑफिस के बाहर मैं नहीं आई ये कह रहे हो ऑफिस के बाहर खड़ी थी किसके साथ घूम रहे हैं मुझे क्या पता वैसे तो नहीं अच्छा नहीं है ना ये तो आप देखो ऐसे कर रहे हो अच्छा नहीं है ये भैया मैं नहीं जानता तेरे ठीक है मैं ठीक है चलो ठीक है कोई अच्छा बना मेरा घर गया गस्ती में भैया आग मत लगा भाई कोई नहीं मैं आपके हेल्प कर रहा था भाई साहब ऐसे भाई साहब ऐसे कपल को बिना झाड़ियों में जाने पे जेड होती है मैंने आपको बता दिया झाड़ियों में जाने पे जेल होते हैं झाड़ियों में से पकड़ के लाते सिक्योरिटी वाले आपको मैं नहीं करूंगा मेरे पास कौन है भाई तू भी बता पहले मैं बता तो दिया मैं सिक्योरिटी में उधर दो नंबर गेट पे सिक्योरिटी मैंने देखा तूने कहां देखा मैं तो जानता है तू मेरे को मेरी बात सुनो भाई साहब अपना राम राम अरे एक मिनट शांति रखो पहले इसको समझा दूं पहले मैं इधर बैठे मेरे को लगा आपने इनको मैंने नहीं देखा आपके साथ देखा भैया मैंने तेरे को नहीं देखा तू कौन है ना
बस सुनो मैडम जी, अगर दिक्कत हो रही है ना कोर्ट में ले चलो, चला करवा दूंगी। एक मिनट नहीं लगेगी, मेरा फोन नहीं उठाते जब भी मैं फोन करती हूं। मैडम एक मिनट नहीं लगेगी, भैया मेरे कोई नहीं है ऐसे। मेरे बात सुनो भाई, मैं देख मिनट में तलाक करवा दूंगा, मिनट में, एक मिनट लगे। लो रे जानकार मेरा बहुत बड़ा, क्या मिल रहा है तेरे को ऐसा करके? मेरे को क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है ऐसा करके? मेरे को झूठ बोला आपने, तूने देखा ही नहीं, आपको बचा कसम खाने मेरे चक्कर में देखा तो कसम किसी की खुलवा लो, कसम खुवा दो, मिनट लगी कसम खाने मेरे को। एक मिनट लगेगी तलाक होने में, एक मिनट में इस आदमी ने दूर करे पाओगे, सिक्योरिटी बहुत है। कौन तलाक कराने वाला, कौन है तलाक कराने वाला? और क्या, तुम निभाए नहीं रहे, पुलिस को बुला, तो किसी को लो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को तो मैं बुला लेता हूँ, लोअर को बुला लेता हूँ, जज को बुला लेता हूँ, यहीं पे तलाक करवा देंगे तुम्हारा। फोन दो मेरा, करो एक बार, जज को फोन करो, रजिस्टर लेके आएगा यहीं पे। अरे तू सुन ले, अरे बात सुनो, अरे बैग तो ले जाओ मेरा, ऐसे जान ले रहे हो इसमें। अरे सुनो तो सही, बैठो तो बंद करो। अरे सुनो, क्या सुनो? मेरी बात सुनो आंटी, मेरी बात सुनो। अरे भाई देखो, मेरी बात सुनो, देखो कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, एक मिनट, झूठ तो बोलेगा नहीं, उसने देखा होगा तभी तो बोल रहा है। आदमी तुमने मान लिया, मुझे क्या पता जिस आदमी बोल रहा है, तुम जानती हो तो मेरे बेबी आप देखे नहीं। अरे मेरी बात सुनो, अपन एक बार इन पे यकीन कर लो। नहीं क्यों यकीन करूं, नहीं आप बोल रहे हो, आप झूठ तो बोलोगे नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था ना, ये मजाक थोड़ी होता है, किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो आप। अरे मैं सही में मजाक कर रहा था, मैं कैसे मान लूं मजाक है? मैं नहीं भरोसा करता। बात सुन, मैं प्रैंक वीडियो करते हो, देखो झाड़ियों के पीछे उधर भी हमारा कैमरा लगा हुआ कैमरा है। मैं मजाक कर रहा था सही में, अंकल किसी मैं सिक्योरिटी में नहीं, अंकल माफ करियो यार, तूने तो आई मेरी बात सुन, मैं बनवा दिया तूने जो है बेकार। ताई मजाक, अरे ताई तो रोने लग रही है, ताई मैं मजाक कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा कैमरा में, देखो उधर तो देख, उधर सही में मजाक कर रहा, सॉरी। तो मना ले किस तरह मनाएगा, 500 रुपए पहले तो आग लगा दी तूने। मैं मजाक कर रहा, सॉरी। चल ताई, अरे ताई ताई, अरे ताई चश्मा ली, मैं चश्मा पड़े, मैं मजाक कर रहा था, देखो उधर वीडियो में। यार ऐसे मजाक मत किया करो यार, किसी यार मैं तो ऐसे कर रहा था, आप अच्छे लग रहे थे बैठे बैठे, तो मैं सोचा थोड़ा सा मस्ती कर लूँ, मैं बस मस्ती का मजाक कर रहा, कोई नहीं आया था इनके साथ, ठीक है। वैसे इनका पर्सनल वो चक्कर चल रहा हो जिसके बारे में मेरे को नहीं पता, वो अलग सो फाइनली गाइज, कैसी लगी वीडियो, ये होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस वीडियो का कौन सा पोर्शन कैसा लगा मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और दोस्तों आप लोग जैसे जैसे फैमिली में शामिल होते हैं ना भाई, और अपनी फैमिली जैसे जैसे मतलब 1.8 मिलियन, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। तो अपने भाई के चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी मस्ती के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।